देखिए उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की शुरुआत कर दी है और इस बार इन्वेस्टर समिट में 20 से ज्यादा देशों के 10,000 डेलीगेट्स शामिल हो रहे हैं और यूपी इन्वेस्टर समिट में 27 लाख करोड़ से ज्यादा निवेश का प्रस्ताव आया है और ऐसा यूपी सरकार का दावा है। 17,000 से ज्यादा एमओयू साइन हो चुके हैं और आज कई एमओयू साइन हो सकते हैं और सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट प्रस्ताव पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर आया है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, फूड प्रोसेसिंग, टूरिज्म, रिन्यूएबल एनर्जी, इन सारे सेक्टर्स में बंपर निवेश का प्रस्ताव यूपी सरकार को मिला है। और बात प्रमुख उद्योगपतियों की करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुकेश अंबानी पहुंच चुके हैं, आदित्य बिरला ग्रुप के कुमार मंगलम वो शामिल हो रहे हैं, आनंद महिंद्रा, के चंद्रशेखरन जैसे उद्योगपति इन्वेस्टर समिट में शामिल हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर पहुंचे इन्वेस्टर समिट की। उन्होंने इससे पहले शुरुआत की, अगवानी की यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने। तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट 20 देशों के 10,000 से ज्यादा डेलीगेट्स इसमें शामिल हैं। तो यूपी में आज से 3 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आगाज हो चुका है और देखिए आज से प्रारंभ हो रही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन पीएम ने अब से थोड़ी देर पहले कर दिया है। समिट में करीब बताया जा रहा है कि 27 लाख करोड़ रुपए के निवेश के करार होने की पूरी तरह से उम्मीद है। इससे 2 करोड़ रोजगार के अवसर भी सृजित होने की संभावना है और खास मेहमान कौन कौन से हैं देखिए जरा नजर डालिए। मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के प्रमुख, कुमार मंगलम बिरला आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन, आनंद महिंद्रा ग्रुप के प्रमुख, के चंद्रशेखर टाटा सन्स के प्रमुख, ये सब लोग पहुंच चुके हैं। जितने भी उद्योगपति हैं उनकी मौजूदगी है इस वक्त उत्तर प्रदेश में राजधानी लखनऊ में, जहां यूपी इन्वेस्टर्स समिट में इस सम्मेलन में वो शिरकत कर रहे हैं। 3 दिनों तक ये खास कार्यक्रम चलने वाला है। विपक्ष भी लगातार आरोप लगाता रहा है कि रोजगार कैसे मिलेंगे, रोजगार को लेकर सरकार सजग नहीं है, लेकिन ये जो कार्यक्रम है सरकार का दावा है कि इससे 2 करोड़ रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है, क्योंकि 27 लाख करोड़ की निवेश उसकी उम्मीद। कई एमओयूज अभी तक साइन भी हो चुके हैं और भी आज हो भी सकते हैं। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह से शुभारंभ किया। बहुत ऐतिहासिक इन्वेस्टमेंट है और उत्तर प्रदेश नंबर 1। सर जिस तरीके की बातें हो रही थी, विपक्ष भी कह रहा है कि एक शगुफे वाली बात कह रहे समाजवादी पार्टी। नहीं, विपक्ष हैरान और परेशान है, उसका भविष्य राजनीति में अंधकार में होता जा रहा है। टॉप इंडस्ट्री सर आए, कितना बदलाव दिखेगा पहले समिट से इस बार का दूसरा समिट? बहुत उम्मीद रखते हैं कि शानदार बदलाव दिखेगा, शानदार परिणाम आएगा और उत्तर प्रदेश आर्थिक दृष्टि से भी और रोजगार की दृष्टि से भी, विकास की दृष्टि से भी आगे बढ़ेगा। कितना 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का आप कंट्रीब्यूट करने वाले हैं अलग अलग सेक्टर्स में, आज उसे पूरा करेंगे। चलिए अब आप सभी दर्शकों को हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ लिए चलते हैं, जहां ये इवेंट चल रहा है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी है। कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद है। कुमार, आपसे जानना चाहेंगे जो ये कार्यक्रम चल रहा है 3 दिवसीय, कितना उत्तर प्रदेश के लिए खास है, उत्तर प्रदेश वासियों के लिए कितना खास, इससे रोजगार किस तरह से बढ़ने वाला है, क्या कुछ सरकार की तरफ से कहा गया, किसकी किसकी मौजूदगी है, ये तफसील से दर्शकों को आप हर तस्वीर दिखाएं और जानकारी बताएं। बिल्कुल आशुतोष, इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी ने इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की शुरुआत कर दी है और प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त मंच पर भी पहुंच चुके हैं और आ,
कुछ तकनीकी समस्या आए निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वहां पर मौजूदगी है, जैमर्स लगे होते हैं इसलिए नेटवर्क में भी इश्यू होगा। लेकिन ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से शुभारंभ किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिमोट के जरिए, ये देखिए जरा मेक इंडिया इंडिया के तर्ज पर यूपी में निवेश कीजिए। देखिए कहते हैं ना कि मुस्कुराइए आप लखनऊ में, इसलिए हमारे जो प्रोड्यूसर्स ने उन्होंने भी लिखा है कि यूपी में निवेश कीजिए क्योंकि आप लखनऊ में हैं, मुस्कुराइए।